होम्योपैथिक से पहले जो है वो एक दफ़ा ट्राई कर लेना चाहिए, नेचुरोपैथी की तरफ आना चाहिए। नेचुरल जो एक लाइफस्टाइल है और नेचुरल जो हमारे अंदर एक हीलिंग का सिस्टम होता है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा हीलिंग का सिस्टम बनाया है कि जिसको हम एक्टिवेट करके उन हीलिंग एलिमेंट्स जो हैं या हीलिंग केमिकल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करके तो हम उनसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। एक्चुअली तो योगा की अगर बात की जाए तो योगा एक बैलेंस में लेके आता है, आपकी लाइफ को बैलेंस में लेके आता है। बॉडी के अंदर जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो चीज़ें हैं। अब जैसे कुछ लोगों को भूख नहीं लगती, वो अगर योगा करेंगे तो उन्हें उनकी भूख जो है वो अच्छी हो जाएगी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो भी अगर योगा करेंगे तो उनकी भूख भी नॉर्मल हो जाएगी। एक्चुअली बॉडी के अंदर जो चीज़ें इम्बैलेंस हुई होती हैं या जो चीज़ें जिनका बैलेंस ख़राब हुआ होता है वो बैलेंस में लेके आता है योगा उन चीज़ों को, और ऑटोमेटिकली जो अंदर एक हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो योगा आपको बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस करता है। और इससे पहले कि आप एलोपैथिक, एक्चुअली डॉक्टर्स जो हैं एलोपैथिक की तरफ अगर आप जाएं तो वो रूट कॉज की बजाय आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दबाने की कोशिश करते हैं और उसको एकदम से उसके सिम्टम्स जो हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो योगा में ये है कि रूट कॉज पे जाया जाता है, रूट कॉज, रूट से जो है वो बीमारी को ख़त्म हो जाती है।